गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी के अंतर्गत आज हम हिंदी साहित्य के एक महान लेखक, कवि और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय को समझेंगे। तो आइए देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। युग प्रवर्तक उन्हें इसलिए कहा जाता है कि उनके द्वारा हिंदी साहित्य जगत में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। भारतेंदु युग जो नामकरण किया गया है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही किया गया है। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे और काव्य करने की प्रेरणा इन्हें अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा ही प्राप्त हुई थी। ये जब मात्र 5 वर्ष के थे तब इन्होंने अपने पिता को एक दोहा लिखकर दिया था और उस दोहे पर ही इनके पिता ने इन्हें एक अपने जीवन में सफल होने के लिए और अच्छा कवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। बाल्यकाल में मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही ये माता पिता के सुख से वंचित हो गए थे, अर्थात ये मात्र 10 वर्ष के थे जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अब हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की शिक्षा की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी क्योंकि ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू, बांग्ला, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत का ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त किया था। स्वाध्याय यानी कि स्वयं अध्याय करके। इसके बाद इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन वहाँ पर भी ये ज़्यादा समय तक नहीं रुक सके क्योंकि इनकी काव्य रचना में ज़्यादा रुचि थी, यानी कि काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लगा और इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में भी थी। काव्य रचनाओं के साथ साथ इन्होंने यात्राओं के ऊपर भी कुछ रचनाएं लिखी हैं जिन्हें यात्रा वृत्तांत कहते हैं। भारतेंदु जी बड़े ही उदार और दानी पुरुष थे। इसी उदारता के चलते शीघ्र ही इनकी आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई थी और ये ऋणग्रस्त हो गए थे। सन 1885 ईस्वी में 6 रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई और 35 वर्ष की अवस्था में ही इनका निधन हो गया था। 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये सिर्फ 35 वर्ष ही जीवित रहे थे। अब हम इनके साहित्यिक जीवन के विषय में कुछ जानेंगे कि ये जब हिंदी में अपनी रचनाएं लिखते थे तब ये रसा उपनाम का उपयोग करते थे, यानी कि रसा उपनाम से ये रचनाओं को लिखते थे। इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया जो इस प्रकार हैं। सबसे पहली इनकी जो पत्रिका थी वह थी कवि वचन सुधार, जिसका प्रकाशन उन्होंने सन 1868 ईस्वी में किया था। दूसरी पत्रिका थी इनकी हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका संपादन इन्होंने सन 1873 ईस्वी में किया था, जो बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से जानी गई, यानी कि पहले उसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन था, बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र पत्रिका पड़ गया था। इसके बाद इनकी जो तीसरी पत्रिका थी वह थी बाल बोधिनी पत्रिका का संपादन इन्होंने सन 1874 ईस्वी में किया था और यह जो पत्रिका थी उनकी यह नारी शिक्षा के लिए लिखी गई थी, इसमें नारी शिक्षा के विषय में वर्णन किया गया था। अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ कृतियों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए, इन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की और इनकी जो रचनाएं थीं उनमें
सबसे पहले हम कुछ नाटकों को देखेंगे। तो इन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, दो प्रकार के नाटक लिखे थे, मौलिक और अनुदित। अनुदित मौलिक नाटक वे थे कि जो इनके नाटक, जो इन्होंने नाम रखा था वही थे। और जो अनुदित या मौलिक नाटक जो जिनकी इन्होंने ही रचना की थी, लेकिन जो अनुदित नाटक थे वो नाटक थे जो किसी और भाषा में लिखे गए थे या किसी और के द्वारा लिखे गए थे, उन्होंने इनका अनुवाद हिंदी में किया था। तो सबसे पहले हम इनके मौलिक नाटकों को देखेंगे। इनके मौलिक, इन्होंने 9 मौलिक नाटक लिखे थे और उन्होंने 8 अनुदित नाटक लिखे थे। मौलिक नाटकों में हैं सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा ने भक्ति, विशिष्य विषमोजधम, सती प्रताप तथा प्रेम जोगिनी। अनुदित नाटक, अनुदित नाटकों के क्रम में इन्होंने मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, दुर्लभ बंधु, कपूर मंजरी और धनंजय विजय नाटकों को लिखा था। अब हम इनके निबंध संग्रह को देखते हैं। सुलोचना, परिहांस वंचक, मदालसा, दिल्ली दरबार दर्पण और लीलावती। इतिहास, कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति। यात्रा वृत्तांत, सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा। इसके बाद जीवनियां, सूरदास की जीवनी, जयदेव और महात्मा मोहम्मद आदि। भाषा शैली, भाषा शैली, तो इसमें हम सबसे पहले भाषा को देखेंगे। भारतेंदु जी से पूर्व हिंदी भाषा का स्वरूप स्थिर नहीं था। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा को स्थायित्व प्रदान किया। इन्होंने इसे जन सामान्य की भाषा बनाने के लिए इसमें प्रचलित तद्भव एवं लोक भाषा के शब्दों का यथासंभव प्रयोग किया। उर्दू भाषा के प्रचलित शब्दों को भी इसमें स्थान दिया गया। लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग करके उन्होंने भाषा के प्रति जन सामान्य में आकर्षण उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार भारतेंदु जी के प्रयासों से हिंदी भाषा सरल, सुबोध एवं लोकप्रिय होती चली गई। शैली, भारतेंदु जी ने निम्नलिखित शैलियों का उपयोग किया है। एक यहाँ पे हम ये और जानेंगे कि जो भारतेंदु की भाषा थी वह विशेषतः ब्रज भाषा और खड़ी बोली थी। शैली, अब हम शैलियों को देखेंगे। वर्णनात्मक शैली, अपने वर्ण प्रधान निबंधों एवं इतिहास ग्रंथों में भारतेंदु जी ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। वाक्य लोकतियों और मुहावरों से युक्त उनकी वर्णनात्मक शैली की अपनी अलग अलग मौलिकता है। उन्होंने विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है, विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है, भावात्मक शैली का प्रयोग किया है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है और हास्य शैली का भी प्रयोग हुआ है। हास्य शैली में लिखी गई इनकी रचनाओं में अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा ने भावति उल्लेखनीय है। अब हम इनका हिंदी साहित्य में स्थान देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। साहित्य के क्षेत्र में उनकी अमूल्य सेवाओं के कारण ही उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक और युग निर्माता या युग प्रवर्तक साहित्यकार अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है। भारतीय साहित्य में उन्हें युग दृष्टा, युग सृष्टा और युग जागरण के दूत और एक युग पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक और अनुदित दोनों नाटकों को याद करना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए आप चाहें तो इस ट्रिक का उपयोग भी इनके मौलिक और अनुदित नाटकों को याद करने में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पहली मौलिक नाटकों के लिए ट्रिक है, वेद प्रेम भारत नगरी व श्री सती देवी सत्य। देखो, इस ट्रिक को आप ऐसे याद कर सकते हो कि भारत में आप सभी जानते हो कि वेदों से प्रेम, ये बात भी सत्य है कि भारत में वेदों से प्रेम किया जाता है, और सती देवी की जो प्रथा पहले ज़माने में जो स्त्रियाँ अपने पति के मृत्यु के साथ सती हो जाती थी
एक वह प्रथा भी प्रचलित थी। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, वेदों से प्रेम और सती होना, ये भारत का सत्य है। तो इसी पर इस ट्रिक को याद कर सकते हैं कि वेद प्रेम भारत नगरी व श्री सती देवी सती, यानी कि वेदों से प्रेम भारत की नगरी में और श्री सत्य देवी, यह बात सत्य है। अब इससे हम रचनाओं को कैसे याद करेंगे, जैसे पहली है, पहला शब्द है वेद, तो इससे पहली रचना बताते हैं वैदिक हिंसा हिंसा ने भक्ति। दूसरा है प्रेम, तो इससे रचना है प्रेम जोगनी। तीसरा शब्द है भारत, इसमें आएगी भारत दुर्दशा। नगरी से आएगी अंधेर नगरी। यहाँ पे वै जो है यहाँ पर इसका अर्थ है विशेष्य विश्वोषधम। इससे अगला जो शब्द है श्री, श्री का अर्थ है श्री चंदावली। सती सती प्रताप, देवी नील देवी, सत्य सत्य हरिश्चंद्र। इसी तरह से एक पंक्ति को याद करके इन सभी नौ मौलिक नाटकों को आप याद कर सकते हो। अब है अनूदित नाटकों को याद करने की ट्रिक, तो इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि भरपूर विद्या रत्न धन पा, भरपूर विद्या रत्न धन पा मुद्रा बंधु को दिया। आगे इस लाइन को बढ़ा सकते हो याद करने के लिए, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है उन शब्दों का। लेकिन आप एक लाइन को एक याद रखना चाहते तो उसके लिए आप इसको याद रख सकते हैं कि भरपूर विद्या रत्न धन पा मुद्रा बंधु को दी। अब यहाँ पे भर जो शब्द है इससे बनेगा भारत जननी, पूर से बनेगा कपूर मंजरी, विद्या से बनेगा विद्या सुंदर, रत्न से बनेगा रत्नावली, धन से बनेगा धनंजय विजय, पा से बनेगा पाखंड विडम्बन, मुद्रा से बनेगा मुद्रा राक्षस, और बंधु से बनेगा दुर्लभ बंधु। बस यहाँ पे एक बात याद रखने की कि इसमें जो है भारत दूरदर्शा है और इसमें भारत जननी है, इन दोनों में इस अंतर को आप याद रखेंगे।